तो नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही खास, जिसमें हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा, साबूदाना कटलेट, साबूदाना टिक्की, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और साथ में बनाएंगे धनिए की और दही मिला के चटनी, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान और झटपट से बनती हैं, जिसको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगी आज की रेसिपी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका गीता की रसोई में। तो आज फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ, जो बनेगी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास। तो हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी नई नई और इजी तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली सब आसान तरीके से और जल्दी बनने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो आज की रेसिपी होने वाली है उपवास के लिए, जिन लोगों ने व्रत रखा होता है उनके लिए खास है और बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली है। तो देखते हैं क्या है। तो वीडियो में बने रहिए कि आज क्या बनने वाला है, वीडियो पूरी देख के जाइए। और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर मिले। तो चलिए फिर करते हैं आज की तैयारी। तो देखिए, आज बनने वाला है साबूदाना वड़ा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, जिसके लिए हमको साबूदाने को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो साबूदाना पहले भिगो के भी बना सकते हैं और बिना भिगोए भी बना सकते हैं। बिना भिगोए कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने साबूदाना ले लिया है, थोड़ा सा लिया है, लगभग एक कटोरी जितना लिए हैं। दो उबले हुए आलू, एक हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, और मसालों में लिए हैं स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप काली मिर्ची भी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम साबूदाने को अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो आप देखिए, साबूदाने को हमने अच्छे से पीस लिया है, एकदम पाउडर नहीं होगा, हल्का सा दरदरा रहता है। अब हम इसमें अपना अदरक और हरी मिर्ची भी डाल के पीस लेंगे। इसको हम पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो फिर हमारा साबूदाना ठीक से पिसेगा नहीं, इसलिए इसको बाद में डाल के पीसेंगे। अभी इसको पीस लेते हैं। तो अब देखिए, हमने साबूदाना, हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है हरी मिर्ची से, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है। तो इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से बन जाता है, आप भी बहुत जल्दी से बना सकते हैं अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं। भिगो के बनाने से भी टेस्ट का भी फर्क आता है, और बनाने में तो अलग टेस्ट का बनता ही है, टेस्ट भी अलग आता है और अलग तरीके से बनता है, और इससे थोड़ा टेस्ट का चेंज आता है, पर बहुत अच्छा तरीके से बन जाता है। जिनका भी उपवास है, भले एक ही चीज़ है, साबूदाने का ही वड़ा है, पर दोनों के बनाने के चेंज के हिसाब से टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है, तो उस हिसाब से खाने में भी उनको थोड़ा चेंज लगता है, जिनका रोज के उपवास है। तो अभी आप देखें, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच जितनी दही, साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इसी समय में हम मसाले भी डाल सकते हैं, मसाले भी हमने मिला दिए हैं, ताकि अच्छे से सब मसाला हमारा पूरा रस जाएगा। थोड़ा पानी और डालते हैं, ताकि हमारा साबूदाना जो है अच्छे से फूल जाए।
दही डालने से थोड़ा अच्छा सा अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। देखिए अच्छे से मिला लिया हमने, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम इसको आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं और आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं इसको कद्दूकस करूंगी ताकि अच्छे से आराम से हम मिला पाए। तो अब देखिए दोनों आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अभी हम साथ में इसको भी मिला देते हैं। आप देख रहे हैं अभी 5 मिनट हुए हैं, सारा हमारा पानी जो है साबुदाने ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छे से सोख के वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम इसको भी साथ में मिला देंगे और साथ में मिला देंगे अपना धनिया। ये वड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसी में डाल के पहले अच्छे से मिला लेती हूँ मैं, क्योंकि बर्तन हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है और अच्छे से मिलेगा नहीं। अच्छे से मिला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए पूरा मिश्रण हमने बना के तैयार करके रख लिया है आलू और साबुदाने का। अब जब तक हम बना लेते हैं इसमें धनिए की चटनी, जिसके लिए हमने थोड़ा सा धनिया तोड़ के ले लिया है। अभी हम थोड़ी ही बनाएंगे क्योंकि व्रत में कोई भी चीज़ बासी नहीं खाई जाती है। साथ में डालेंगे लगभग 1.5 हरी मिर्ची, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, मीडियम है इसलिए 1.5 ली है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी दही 2 चम्मच जितनी, और डाल लेते हैं स्वादानुसार थोड़ा नमक। अब इसको पीस लेते हैं। तो अब देखिए चटनी हमारी बनके रेडी हो गई है। तो देखिए चटनी रेडी हो गई है, अब इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो इधर हमने तेल चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और जब तक तेल हमारा गर्म होता है तब तक हम इसकी शेप करके तैयार कर लेते हैं। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं छोटी छोटी टिक्की जैसे बनाऊंगी। देखिए स्लो कर देते हैं थोड़ा। आप छोटी छोटी बॉल्स भी बना सकते हैं इसकी, जो बहुत अच्छी लगती हैं। और आप चाहें तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। शेप आप अपने इच्छा के हिसाब से कैसी भी बना सकते हैं। आप देखिए 3 तरह की शेप मैंने बना के बताई हैं आपको, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। जब तक तेल हमारा गर्म हो गया है हमने इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल मैंने कम ही रखा है। चलिए एक साइड से होने देते हैं जब तक हम दूसरे तैयार कर लेते हैं। गैस हमारा मीडियम स्लो है, जब तक दूसरी बना लेते हैं इसकी।
थोड़ा सा तेल ऊपर ऊपर डाल देंगे तो दूसरी साइड से भी हमारा चिपकेगा नहीं। और देखिए कितना ही बढ़िया बन रहा है। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा सोख लिया है तो आप थोड़ा गीला हाथ करके करें, इससे अच्छे से पूरा वो जुड़ जाएगा और बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी हमारी। तो अब देखिए मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था ज़्यादा, इसलिए मैंने हाथ गीला कर लिया है अपना। आप देख रहे हैं कितना ही बढ़िया बन रहा है। ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। और तो अब देखिए ये हमारे बनके तैयार हैं, कितना ही सुंदर कलर आया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। अब देखिए साथ में अब हम जो बना के रखे हैं इसको भी डाल देते हैं। आप साबुदाने के वड़े जब भी बनाएं हमेशा फ्राई पैन में बनाएं जो स्ट्रेट हो, क्योंकि ये अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो नीचे गहरा होने से ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, बना लेते हैं ऐसे अच्छे से। तब तक ये और भी बना लेते हैं साथ में। आप देखिए थोड़ा सा हाथ गीला करने से ये बहुत अच्छे तरह से बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए मॉइस्चर सोख लेता है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे पूरा भीगे हुए नहीं थे। तो हम जितनी देर इसको करते रहते हैं, भिगो के रखते हैं, ये धीरे धीरे थोड़ा ड्राई होता जाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाते हैं बहुत ही ईजिली। अब देखिए है ना भिगोने का झंझट ना लगेगी देर, झटपट से। अगर उपवास में बच्चे को भूख लगी है, आपको भूख लगी है, तो आप जल्दी से बना सकते हैं। देखिए तो चलिए साथ साथ ये भी बना लेते हैं, फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। देखिए कितने ही सुंदर हमारे साबूदाने के कटलेट बनके तैयार हो रहे हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अब उपवास में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या खाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपवास में भी अच्छी अच्छी बन सकती हैं और आप भर पेट के एक बार का खाना भर पेट और अच्छे से आप खा सकते हैं और अपने उपवास को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको उपवास करना थोड़ा मुश्किल है? हाँ भाई, ये बात का ध्यान रखें कि उपवास में आप बार बार कोई चीज़ नहीं खा सकते हैं। उपवास का मतलब उपवास, आप एक टाइम खाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप चाय दूध ले सकते हैं या आप फ्रूट खा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टाइम का जो खाना खाएं वो आप अच्छे तरह से इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी सब चीज़ें बना के आप उपवास के चावल के हांडवा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। मैंने कल बनाया था अपने बेटे के लिए, पर मैं रेसिपी शूट करना भूल गई थी, कुछ देर भी हो गई थी उस हिसाब से। पर अगर आप सीखना चाहते हैं उपवास का हांडवा बनाना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए रेसिपी फिर से ज़रूर डालूँगी। तो गैस हमारा स्लो है, निकालते समय हमेशा गैस को स्लो कर दें, बाद में बोले मीडियम करें। ये भी डाल देते हैं। देखिए कितने ही बढ़िया हैं बन रहे हैं आसान से। और बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं, बहुत देर भी नहीं लगती है। आपने देखा मैंने कैसे झटपट से मसाला उसका तैयार कर लिया। तो चलिए अभी देखते हैं फिर उसको भी। तो अब देखिए कितनी बढ़िया हमारी उपवास की
थाली स्नैक्स वाली तैयार है बनके, जिसको बनाने में बहुत मुश्किल नहीं है। उधर हमारे दूसरे भी बन रहे हैं, तो आप बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कैसी लग रही है आज की थाली आपको, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज के लिए, आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा, साबूदाना वड़ा बोल सकते हैं, साबूदाना टिक्की बोल सकते हैं, साबूदाने के कटलेट बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, पर ये खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होते हैं। और सादी सिंपल बनने वाली हरी चटनी का तो इससे इसमें क्या ही कहना। इसको आप इस तरीके से एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपने आपको और आपके परिवार के लोगों को। आप उपवास में भी बना सकते हैं, और अगर आपका उपवास नहीं है तो भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। बरसात के मौसम में तो ये और भी ज़्यादा खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या क्या सीखना है। आप जो भी सीखना चाहेंगे, बेसिक चीज़ें या कैसी भी रेसिपीज, मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। लाइक करना भूलिएगा नहीं।